क्लियर महाराष्ट्र के माध्यम से मैं आज 75th इंडिपेंडेंट डे की मुबारकबाद पूरे देशवासियों को देता हूँ, और साथ ही साथ मैं विनंती करता हूँ कि ये जो हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है, इसके लिए हमारे फ्रीडम फाइटर्स, हमारे पूर्वज उसकी बहुत मेहनत करके देश को आज़ाद कराया है और अंग्रेज़ों की गुलामी से निजात दिलाया है। आज जो माहौल है हमारे मुल्क का, वो इतना भयानक माहौल है कि पूरा मुल्क पोलराइज हो रहा है, दूसरी दिशा में देश जा रहे हैं। जब नई हुकूमत आई थी बीजेपी की, तो उन्होंने वादा किया था कि सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ सबका विकास वाली बात रही नहीं। आज जगह जगह आप देख रहे हैं कि फिरकावाराना फसादात हो रहे हैं और माइनॉरिटी कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। जब तक कि हम मिलजुल कर साथ नहीं रहेंगे और भाईचारे के साथ नहीं रहेंगे, और हमको जो है वो प्रूफ करना है कि देश की तरक्की अखंडता से ही हो सकती है, और देश जो है वो प्रगति उस वक्त करेगा कि जो सत्ता पे बैठा है प्राइम मिनिस्टर, वो प्रजा को एक नज़र से देखे। और मैं उनसे विनंती करता हूँ कि आज भी मौका है कि वो जो सिचुएशन है मुल्क की, उसमें सुधार लाने की कोशिश करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।